डिस्पाइट बींग कॉमनली एसोसिएटेड विद वेमेन, क्या आप जानते हैं कि UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मर्दों में भी बहुत कॉमन है? मिलियंस ऑफ मेन आर अफेक्टेड बाय यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। इस बीमारी में आपको बहुत डिस्कम्फर्ट और बहुत पेन हो सकता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ UTI इन मेन। हाय, आई एम डॉक्टर नितिन, आई एम अ यूरोलॉजिस्ट। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी, यूरेटर, डाउन टू ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड पेनिस। इट समटाइम्स कैन ऑल्सो इन्वॉल्व टेस्टिकल्स। UTI को बेसिकली दो मोटी मोटी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं जबकि इन्फेक्शन हमारी किडनीज तक पहुँच चुका है, which is a more serious condition and it needs more aggressive and probably prolonged treatment. Lower tract infection involves infections of urinary bladder, prostate and penis and it sometimes also involves testicles. So, aaiye hum samajhte hain ki kya symptoms hote hain and how will we identify that this is a UTI. Frequency, iska matlab hota hai ki mareez ko baar baar peshab jaane ki haazat hoti hai. यूजुअली हम 5 से 6 बार दिन में और रात में 1 से 2 बार उठते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डबल या 3 times भी हो सकती है। हर आधे आधे घंटे में मरीज को वॉशरूम जाना पड़ सकता है। अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है जब भी पेशाब का प्रेशर आता है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। UTI के साथ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग होने के कारण अचानक से बहुत सीवियर अर्ज होती है यूरिन पास करने की। इसके लिए हमें एकदम से वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये यूरिन लीक भी हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। डिस्यूरिया, इसका मतलब होता है जब भी मरीज पेशाब करता है पेशाब के रास्ते में एक सीवियर प्रिकिंग पेन होता है, दैट कैन बी फेल्ट इन द लोअर टमी और इन द पेनिस। ये पेन कभी कभी बिना पेशाब किए भी मरीज महसूस कर सकता है। ये पेन लोअर टमी में या इन जनरल क्रॉच एरिया में फील हो सकता है। स्मेली यूरिन, यानी कि यूरिन में एक अजीब सी फाउल स्मेल होती है विच इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन। फ्रॉदी यूरिन, यानी कि पेशाब करने के बाद आप नोटिस करते हैं कि पेशाब में झाग बन रहा है। दिस ऑल्सो हैपन्स इन UTI, जबकि यूरिन में बैक्टीरिया होते हैं और प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा है तो अंदर पेशाब की थैली में या ब्लैडर में सूजन के कारण ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है और आपको डार्क या समटाइम्स ब्राइट रेड कलर का ब्लड अपनी यूरिन में देखने को मिल सकता है। पेन इन टेस्टिकल्स, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी कभी पेशाब के रास्ते से होता हुआ टेस्टिकल्स तक जा सकता है, जिससे कि टेस्टिकल्स में स्वेलिंग और पेन स्टार्ट हो सकता है। अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर ट्रैक्ट यानी किडनीज तक पहुंच गया है तो फिर मरीज को नौशिया एंड वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं। साइड्स में पेन हो सकता है जिसे हम फ्लैंक पेन कहते हैं। फीवर आ सकता है। इस फीवर की खास बात ये होती है कि फीवर के साथ मरीज को ठंड लगती है जिसे हम चिल्स बोलते हैं। एक खास कंडीशन होती है जिसको हम यूरोसेप्सिस बोलते हैं। यूरोसेप्सिस का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना सीवियर हो चुका है दैट दिस बैक्टीरिया हैज गॉन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अब बॉडी में फैलने लगा है। इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ये इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल सकता है और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, खास करके फीवर, नौजिया एंड वॉमिटिंग, इन सिम्टम्स के होने पर हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। घरेलू नुस्खे आपके सिम्टम्स रिलीफ करने में काम आ सकते हैं लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे कारगर नहीं होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन मेन यूजुअली हैज़ अ करेक्टेबल कॉज। उस कारण तक हमें पहुँचना होता है और उसका इलाज करना होता है। बिना एंटीबायोटिक्स और बिना ट्रीटमेंट ये इन्फेक्शंस ऐसा देखा गया है कि बढ़ जाते हैं, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। इन इन्फेक्शंस की एक टेंडेंसी होती है अगर हम टाइमली एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करते हैं
तो कभी कभी एब्सेस बनने लगते हैं। एब्सेस यानी बॉडी के अंदर ऐसी कैविटीज बन जाती हैं जिसमें पस बनने लगता है। अगर ये पस अमाउंट में ज़्यादा हो जाता है फिर ऑपरेशन करके इस पस को निकालना पड़ता है। दीज इन्फेक्शंस कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, खास करके अगर हमारा ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट नहीं हो पाया है। सो इफ़ यू वॉन्ट एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। द सेम नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। UTI इन मैन, नाउ वॉट आर दी कॉजेज और उसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए एंड स्प्रेड दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन।